राजधानी में साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। डीजीपी जौहरी ने साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम रखा गया था। तो लाल परेड मैदान में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। टीटी नगर स्टेडियम में समाप्त होगा ये कार्यक्रम। तो बता दें कि कुल 15 किलोमीटर तक साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ है। राजधानी में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। डीजीपी जौहरी ने साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ है। लाल परेड मैदान में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया है। तो आपको बता दें कि टीटी नगर स्टेडियम में इसका समापन होगा। कुल 15 किलोमीटर तक साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। डीजीपी जौहरी ने इसका शुभारंभ किया है। तो आपको बता दें कुल 15 किलोमीटर तक साइक्लोथॉन का यह आयोजन किया गया है। लाल परेड मैदान से पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने इसे हरी झंडी दिखाई है और अब इसका समापन टीटी नगर स्टेडियम में होगा। फिट इंडिया के अंतर्गत कार्यक्रम रखा गया था। लाल परेड मैदान से पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन का आयोजन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साइक्लोथॉन के आयोजन की। फिट इंडिया के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 15 किलोमीटर तक साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ है। तो लाल परेड मैदान से अब इसका समापन टीटी नगर स्टेडियम में होगा। तो सभी ने साइकिल चलाई। फिट इंडिया के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बता दें कि लाल परेड मैदान से पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने इसे हरी झंडी दिखाई है और टीटी नगर स्टेडियम में इसका समापन होगा। तो उत्साह के साथ युवाओं से लेकर वृद्धों तक ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। फिट इंडिया के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संदीप, जानना चाहेंगे आपसे फिट इंडिया के अंतर्गत ये कार्यक्रम जो साइक्लोथॉन का है, इसका आयोजन किया गया है, क्या मायने निकाले जाएं इसके? बिल्कुल, साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है प्रेरणा, अच्छी बात है इस ठंड के सीजन में। और जिस तरह से पूरे देश में और दुनिया में कोरोना का संक्रमण इस समय पर तेजी से बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। सुबह 7:30 बजे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भोपाल के करीब करीब सभी क्षेत्रों से गुजरते हुए, यानी कि करीब 15 किलोमीटर का ये सफर रहेगा साइक्लोथॉन का। एक खास बात ये रही प्रेरणा की, इतनी कड़कड़ाती ठंड में जब भोपाल में करीब 10 डिग्री के आसपास पारा चल रहा है और 7:30 बजे इतनी बड़ी संख्या में तादाद में युवा जब पहुंचे लाल परेड ग्राउंड में, वो कहीं ना कहीं दुर्लभ क्षण वहां देखने को मिला, क्योंकि लोग सुबह इस समय पर कहीं ना कहीं बिस्तर में ही डूब के नजर आते हैं। और सुबह इतनी बड़ी तादाद में खासकर बच्चों का, करीब 5 से 10 साल तक के बच्चे भी यहां पर देखने को मिले, एक बड़ा कहीं ना कहीं दुर्लभ क्षण देखने को मिला। इसको अगर हम बात करें तो डीजीपी विवेक जौहरी ने हरी झंडी दिखाई और फिर काफिला निकल पड़ा साइक्लोथॉन का, शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए टीटी नगर स्टेडियम यानी तात्या टोपे स्टेडियम में करीब 9 से 9:30 के बीच इसका समापन होगा। इसके माध्यम से जिसको पीएम मोदी हमेशा कहते हैं फिट इंडिया तो हीट इंडिया, तो वही यहां पर इसको इसका स्लोगन दिया गया है फिट इंडिया। फिट इंडिया के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है प्रेरणा इसके माध्यम से, ताकि लोग सुबह सुबह उठें, वॉक करें, साइकिलिंग करें। यह है मकसद सरकार का, खेल विभाग का मकसद है।
क्योंकि जब लोग फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, काम कर सकेंगे, मजबूत रहेंगे। तो ये कोशिशें हैं सरकार की यहाँ पर, और इसीलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शहर के प्रमुख मार्गों से इसलिए गुजारा जा रहा है ताकि लोग देखें तो कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा लें और वो खुद उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारें और कल से वो भी सड़क पर उतरें। बिल्कुल संदीप, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं एक सराहनीय पहल है फिट इंडिया बनाने की और हिट इंडिया बनाने की। संदीप, एक जानकारी आपसे ये भी लेना चाहेंगे, जिस प्रकार से तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं युवा वर्ग तो खासा दिखाई दे रहा है उत्साहित, लेकिन जानना चाहेंगे क्या किसी आयु वर्ग की सीमा रखी गई थी? बिल्कुल प्रेरणा, इसमें हर वर्ग के लोग थे, युवा थे, इसमें कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं था, इसलिए इसमें हर वर्ग के लोग आए, यहाँ तक कि करीब 50 साल तक की उम्र के भी लोग देखे गए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से ये जो आयोजन किया गया था तो उसमें सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सभी ने जहाँ अपना योगदान दिया वहाँ पर इन लोगों ने ये भी बताने की कोशिश की कि अगर आपको फिट रहना है तो आप सड़क में आइए, उसके लिए मौसम कोई मायने नहीं रखता है। इतनी ठंड के बावजूद भी जब लोग घर से निकल करके लाल परेड ग्राउंड पहुंचे, हम लोगों ने देखा वो क्षण, तो कहीं ना कहीं ये चीज साबित कर रही थी कि ये लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति फिट रहे, हर आदमी मैसेज देना चाह रहा है। और हमने जब कुछ लोगों से बात भी की तो लोगों का यही कहना था कि सब यही चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर साइक्लोथॉन के रेस में शामिल होने आए हैं ताकि लोग देखें, इससे प्रेरणा लें और घर में बैठने के बजाय सुबह सुबह इसमें घर से बाहर निकलें, चाहे मॉर्निंग वॉक करें या साइकिलिंग करें, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं शरीर फिट रहता है। लिहाजा इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों ने एक अच्छी मैसेज देने की कोशिश की है, पहल की है। सरकार ने तो अच्छी पहल की ही है क्योंकि यह सरकार की सबसे बड़ी योजना है कि लोगों को फिट रखना है। अब सिर्फ लोगों को सिर्फ विकास की बात नहीं बताती सरकार, ये भी एक अच्छी पहल है क्योंकि जब लोग फिट रहेंगे तभी आगे विकास करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एक अच्छी कोशिश की गई है, हर वर्ग के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बिल्कुल, तो देखा जाए तो हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। बहुत धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था और डीजीपी ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चलिए आपको सुनाते हैं डीआईजी का क्या कुछ कहना था। अभी फिट इंडिया के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा जो है साइक्लोथॉन आयोजित किया गया है, उसमें रास्ते भर में जो है व्यवस्थाएं लगी, करीब 500 से 1000 जो है साइक्लिस्ट लगे हुए हैं। पवन जैन सर डायरेक्टर स्पोर्ट्स के नेतृत्व में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि सब जगह व्यवस्थाएं ऐसी रहेंगी ताकि किसी प्रकार की किसी असुविधा आम नागरिक को भी ना हो और जो साइक्लिस्ट उनको